डियर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं मनोविज्ञान का सेट वन और सेट टू दोनों पेपर देखेंगे इसमें साइकोलॉजी का दोनों पेपर जो सेट वन और सेट टू दोनों को देखेंगे तो ये 2021 एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें इनको जरूर देखें आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन पेपर्स में जो जो क्वेश्चन आए हैं इनको और सभी जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं ऑल मॉडल पेपर्स और आपके जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं वो सभी की सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको कोई लिंक ना मिले या फिर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा हम आपको उसकी लिंक सेंड कर देंगे और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनकी भी मदद हो पाए आपके दोस्त हों रिश्तेदार हों या कोई भी आप जिसको जानते हों या फिर आप मदद करना चाहते हैं किसी की तो उसके साथ शेयर ज़रूर करिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए स्टे सेफ़ और साथ ही साथ आपको बता दूं आपके स्कूल खुलने की जो आशंका है वो ना के बराबर है आपके डायरेक्ट अब एग्जाम होंगे तो आप बने रहिए और पढ़ते रहिए बस आप हमेशा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए उससे आपको बहुत ही मदद होने वाली है कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं उनके अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को इसके जो इंग्लिश के जो वर्जन है उसको मैं पढ़ देता हूँ और हिंदी वर्जन आप खुद देख सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो है ये अभी अभी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या क्या मतलब ये जरूरी हैं इसके अलावा अब आ जाइए सेक्शन ए में यहाँ पर आ जाइए प्रश्न संख्या एक है जो आपका वॉट इज़ द एक्सप्रेशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ पास मॉडल एब्रीविएशन ठीक है सेकेंड आपका है हाउ मनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर अकॉर्डिंग टू द गार्डनर राइट नेम तीसरा है व्हाट इज साइक् साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको बताना है इसके बाद में चौथा है आपका व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कॉन्सेप्ट पांचवा क्वेश्चन जो है डिफाइन सोशल कॉग्निशन और उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ टू साइकोलो हु हैव एक्सपेरिमेंटेड कॉग्निटिव डिसोनेंस ठीक है अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सातवां जो क्वेश्चन है व्हाट आर मेन फैक्टर्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर आठवां है व्हाट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी नौवा है व्हाट इज़ द एम ऑफ एक्शन एड दसवा है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन खंड बी की बात करें तो दो दो नंबर के जो क्वेश्चन हैं है वो आए हुए हैं इसमें इसमें क्या है व्हाट इज़ क्रिएटिविटी डिफाइन इट और उसके बाद में वाट आर द डिफ्रेंस बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो अहंकार और परम अहंकार जो है उसमें आपको अंतर बताना है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है आप इसको देख सकते हैं इसके बाद में वाट इज स्की्कीमा एक्सप्लेन ब्रीफली जो कि आपके लास्ट ईयर में भी पूछा गया है और चौदाह चौदहवा जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एन्वायरमेंटल इन्फ्लुंस ऑन प्रिस्प्सन ऑफ ह्यूमन बींग्स पंद्रह क्वेश्चन है राइट द फीचर्स ऑफ फ्रस्टेशन एग्रीगेशन थ्योरी सोलवा है व्हाट इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन राइट एग्जांपल इनमें से काफ़ी क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आ चुके हैं इसीलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखना आपके लिए ज़रूरी है सत्रवा क्वेश्चन है राइट थ्री डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एफिसियंसी उसके बाद में एक्सप्लेन दोशल स्ट्रेस विद एग्जाम्पल उन्नीसवा क्वेश्चन है राइट एनी थ्री एथिकल प्रिंसिपल ऑफ साइकोथेरेपी बीसवा क्वेश्चन है वाट डू यू मीन बाई काउंसलिंग डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंस कंसेलर ठीक है ये काउंसलर बोल सकते हैं आप पार्ट डी की बात करें तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सप्लेन इट रोशार्क टेस्ट और ऑप्शन में आया हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सिक्वेंसेज डिस्क्राइब द थ्री लेवल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रपोज बाय सिगमुंड फ्रेड ठीक है सिगमुंड जो फ्राइड है उनके अनुसार आपको बताना है बाईसवा जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी फोर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट और ऑप्शन में है राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस कोशेंट आई एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ई तीसवा क्वेश्चन है वाट आर द फोर वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू एल्डर एंड पार्कर अथवा में आया है वाट इज स्ट्रेस डिस्क्राइब एनी थ्री इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस अपॉन ह्यूम सिस्टम ऑफ द बॉडी चौबीसवें जो क्वेश्चन है उसमें बात करें तो व्हाट इज मूड डिसऑर्डर राइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर ऑफ डिप्रेशन डिसऑर्डर और ऑप्शन में आया है एक्सप्लेन द टू सब्सटेंसेज ऑफ अब्यूज एंड टू डिपेंडेंस पच्चीसवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ साइकोथेरेपी एंड इट्स फोर पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स और ऑप्शन में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड बाई कौन यहाँ पे बी लिखा है ये बाई है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो व्हाट डू यू मी अंडरस्टैंड बाई कौ कॉगनीटिव थेरेपी एक्सप्लन द थ्री मेन स्टेप्स ऑफ रेशनल इमो इमोटिव थेरेपी रेशनेल इमोटिव थेरेपी अगर इसमें मिस्टेक हो तो आप अपनी बुक से रेफर कर सकते हैं छब्बीसवा जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है आपको डिस्क्राइब एनी फोर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन और ऑप्शन में आया व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ एटीट्यूड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ एटीट्यूड प्रपोज बाई फ्रिच हेल्डर इसके बाद में ई पार्ट में आ जाते हैं तो ई पार्ट में आपका पूछा गया व्हाट इज़ एन एनेक्सटिटी ऑर्डर डिसऑर्डर राइट इस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल और ऑप्शन में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइचोफेरेना और राइट द सिम्टम्स ऑफ सीजियोफेरिनिया एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल इसके बाद में आ जाइए अट्ठाईसवें क्वेश्चन पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप फॉर्मेशन राइट फोर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप और ऑप्शन में आया राइट ब्रीफली द फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टकमैन नेक्स्ट जो है आपका जो सेकेंड पेपर है इसका मॉडल पेपर उसको देख लेते हैं तो इसको देखने के लिए हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं पार्ट ए की बात करें तो वेल्सर के अनुसार सर्वभमता क्षमता क्या है यानी कि अकॉर्डिंग टू वेल्सर वाट इज़ ग्लोबल कैपेसिटी वाट इज़ मीन ऑफ इंक्लूडूअल डिफरेंस तीसरा है राइट फार्मूला ऑफ इंटेलिजेंस कोसेंट आई क्यू का फार्मूला लिखना है फोर्थ है आपका वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेल्फ आपको हमेशा फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए नहीं तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है पांचवा क्वेश्चन जो है डिफाइन सोशल कॉग्निशन और छठा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्प्रेशन फॉर्मेशन सातवा है व्हाट इज ग्रुप आठवा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द एम ऑफ एक्शन एड और डब्ल्यू एच ओ का पूरा नाम आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर है आए दिन चर्चा में रहता है दसवा है व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल पार्ट बी में बात करें तो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस डिफाइन इट बारवा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ स्टीम तेरवा है व्हाट आर टू परपजेज सेवरल सर्वड बाय एटीट्यूड चौदवा क्वेश्चन है डिफाइन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी गिव एग्जाम्पल पंद्रवा क्वेश्चन है व्हाट इज कैथरिसिस प्रोसेस एक्सप्लेन इट सोलवा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्किल राइट ओनली नेम ऑफ स्किल सेक्शन सी की बात करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल आइडेंटिटी गिव एग्जांपल और ऑप्शन में है गिव डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू शेल्डन और अट्ठारहवा क्वेश्चन जो है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट इज़ जनरल साइन क्लोरोम और एक्सप्लेन विद एग्जांपल और ऑप्शन में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोपिंग बिहेवियर उन्नीसवा है व्हाट इज़ बिहेवियरल थेरेपी एक्सप्लेन विद एग्जांपल और ऑप्शन में है व्हाट इज गैस्टाल थेरेपी एक्सप्लेन बीसवा है व्हाट इज स्पेशल स्किल राइट इट्स टू यूजेस और ऑप्शन है राइट राइट कम्युनिकेशन प्रोसेस या फिर आप इस इसको लिख सकते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस राइट विद एन एग्जाम्पल थोड़ा सा मिसप्रिंट है सेक्शन डी की बात करें व्हाट इज इज वाट इज इंटेलिजेंस एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट और ऑप्शन में है वाट इज मीनिंग ऑफ एसेसमेंट डिस्क्राइब ओनली टू मैथड्स बाईसवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन आइस्कन प्रिंसिपल विद एग्जाम्पल ये इसको आप आई जेक्स बोल सकते हैं आइस्कन भी बोल सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे और ऑप्शन में है डिस्क्राइब द कल्चरल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी गिव एग्जाम्पल तेईसवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्टेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद में और ऑप्शन आया था राइट इन ब्रीफ हाउ कैन पॉजिटिव हेल्थ भी इम्प्रूवड चौबीसवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है और ऑप्शन में है दो क्वेश्चन हैं इसमें तो पहला जो इसमें पूछा गया एक एक का इंग्लिश वर्जन दिया नहीं गया वो गलती से रह गया होगा मिसप्रिंट है इसमें और दूसरे का इंग्लिश वर्जन जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जो कि सी जियोफेरिना डिसऑर्डर राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ फेरिनिया बाईसवाई पच्चीसवा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिहेवियरल थेरेपी डिस्क्राइब ब्रीफ इन ब्रीफ इट्स ट्रीटमेंट मेथड और ऑप्शन में व्हाट इज साइकोथेरेपी राइट इट्स एनी थ्री गोल्स छब्बीसवा है डिफाइन प्रिजुडिस और डिस्क्राइब इट्स मेजर सोर्स ऑफ कॉजेस और ऑप्शन में है व्हाट इज सोशल बिहेवियर डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म्स ई ऑप्शन में आ जाते हैं तो ई पार्ट की बात करें तो सत्ताईसवां क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोबिया राइट द सिम्टम्स ऑफ फोर मेजर टाइप्स ऑफ फोबिया फोबिया के ऊपर आपका एक मूवी भी बनी हुई है और ऑप्शन में है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर डिस्क्राइब द मोस्ट कॉमन फोर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर अट्ठाईसवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्रुप फॉर्मेशन राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप और ऑप्शन में आया है जो आपका लास्ट ऑप्शन है वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्राइब द मेजर कॉजेज ऑफ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट तो ये है आपका मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सेट ए और सेट बी दोनों दिखा दिए मैंने तो आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा अच्छे क्वेश्चन है इसमें जरूर तैयार करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर स्टॉपर्स की कॉपियाँ देखना ना भूलिए दूसरों के साथ जरूर शेयर कर दे ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बने रहिए इस चैनल पर आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है थैंक यू वेरी मच